हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किचन विंग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड मिठाई की रेसिपी। आप इसे किसी भी ओकेजन पर बनाकर खा सकते हैं और ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बन जाती है। जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं ये उसी से बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ब्रेड मिठाई हम किस तरह बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए हैं, ये मैंने ब्रेड्स लिए हैं, ये 6 ब्रेड्स हैं। हमें क्या करना है, ये जो इसकी साइड्स हैं इसको हमें कट करना है, एजेस इसकी हम साइड्स निकाल देंगे इस तरह से। हम इसके एजेस निकाल देंगे इसी तरह। मैं इसके सारे एजेस निकाल देंगे। ये मैंने अपने ब्रेड के एजेस निकाल दिए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक पैन में मैंने घी ले लिया है, ये घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, इसको हीट अप कर लेंगे। और अब हमें अपने ब्रेड के स्लाइसेस इसमें फ्राई करने हैं, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे हम, इससे अच्छा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए और ये अच्छे क्रिस्पी भी हो जाएं। तब तक के हमें इनको फ्राई करना है इस तरह से। हमें ये इतने ही डार्क चाहिए, इससे ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। और अब मैं इनको सारे ब्रेड्स अपने फ्राई कर लूंगी। ये ब्रेड हमने अपने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मैंने एक ही पैन ले लिया है और अपना गैस फ्लेम ऑन कर देंगे और मैं इसमें ऐड करूंगी 1 mug मिल्क। इस पैन में ऐड कर देंगे, इसे हीट अप होने देंगे हम। ये मिल्क हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 tablespoon मिल्क पाउडर, या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको चलाते रहना है जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे। ये बच्चों की फेवरेट है, आप इसे बना सकते हैं किसी टाइम भी। बच्चों का दिल चाह रहा है, आपका दिल चाह रहा है कुछ मीठा बनाने के लिए और आपके पास कुछ है नहीं, तो आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स, ब्रेड सबके घर में होती है, दूध सबके पास होता है, आप इसे बना सकते हैं, खा सकते हैं। और इसे आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि मिठाई है। इसको हम कुक करेंगे जब तक कि ये अच्छे से थिक नहीं हो जाती है। ये हमारा थिक हो गया है। अब हम अपना गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, एक पैन ले लेंगे, गैस फ्लेम ऑन कर दूंगी और ये 1/2 cup पानी लिया है मैंने, ये इस पैन में ऐड कर देंगे। इसमें जाएगी 1 cup शुगर, चीनी। हमें इसमें एक चाशनी रेडी करनी है और 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे इसमें, और इसे अभी हम कुक करेंगे। बेसिकली हमें इसकी 1 तार की चाशनी बनानी है। ये चाशनी हमारी रेडी हो गई है। ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, ये 1 तार की चाशनी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपने ब्रेड फ्राई किए थे वो इस चाशनी में डिप करेंगे दोनों साइड से। इसी तरह से हम अपने सारे ब्रेड के स्लाइसेस इस चाशनी में डालकर और इसे हमें अच्छे से डिप करना है चाशनी में। इस तरह से हमने अपने सारे ब्रेड के स्लाइसेस इस चाशनी में डिप कर लिए हैं और मैंने अपने सारे ब्रेड के स्लाइसेस एक प्लेट में निकाल लिए हैं। ये सारे ब्रेड के स्लाइसेस मैंने चाशनी में डिप कर लिए हैं। तो इस तरह से मैंने अपने ब्रेड के स्लाइसेस सब रेडी कर लिए हैं, चाशनी में भी डिप कर लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं अच्छे से, और ये रबड़ी भी मैंने अच्छे से रेडी कर ली है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब क्या करेंगे, एक ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे इस तरह से
और जो मैंने अपनी फिलिंग रेडी की है वो फिलिंग हमें इस पर अप्लाई करनी है। अच्छे से इस पे अप्लाई करेंगे हम। और जो दूसरा ब्रेड का पीस है वो हम इस पे ऊपर से रख देंगे। इसी तरीके से मैं अपने सारे पीसेस ब्रेड के रेडी कर लूंगी। तो इस तरह से ब्रेड मिठाई बनकर रेडी है और आई होप आपको ये पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। टिल देन बाय बाय।